आप बोलोगे तभी वो सरेंडर करेगा, हमसे कहने से सरेंडर नहीं करेगा। नहीं वो क्यों, मतलब क्यों बुलाएंगे आप सरेंडर, कहाँ बुलाएंगे? कभी जो फंस गया, कभी वो फंस गया किसी घर में, है ना, तो हम आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा सरेंडर कर दे। हम तो नहीं बोलेंगे उनको सरेंडर करने के लिए, नहीं बोलोगे आप। अगर वो घर जिंदा वापस आ जाए तो मैं खुद उनको शहीद कर दूँ, खुद अपने। अरे नहीं ऐसा नहीं, और उसमें जो निकल गया दार में, घर का ही बचा है। ओ भाई आप के रास्ते निकल गए तो हमें क्या जरूरत है उनकी, हमें हम क्यों उनको वापस बुलाएंगे, हमें कोई जरूरत। अरे कोई गलत रास्ते हो, कभी कभी कोई भटक जाता है गलत रास्ते, उससे ना लड़ाई झगड़ा हो गया हो, अम्मी से हो गया हो, ना लड़ाई है ना झगड़ा है ना गलत रास्ता है, जो भी किया जैसे भी किया मुझे नहीं पता, उनका अपने मतलब अपनी मर्जी से चले गए, उनको लग रहा था कि मैंने अच्छा किया, अच्छा ही किया होगा, हमें क्या है लेना देना, चले गए। जब हम उसका मुँह देखेंगे उसी दिन देखेंगे जब वो शहीद होके इस घर अगर वो जिंदा आ जाए उसकी गर्दन खुद अपने हाथों से। सवाल किस लिए यहाँ पे, मतलब हथियार उठाना किस लिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता हथियार क्यों उठाना, आप लोग क्यों उठाते? हम लोग तो भाई सुरक्षा के लिए उठाते, अपना देश है, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए। अगर वो हथियार नहीं उठाएंगे तो अल्लाह को कैसे लगेगा कि इनने अपनी जान दी या नहीं दी? ऐसे तो नहीं ना आप लोग ऐसे तो नहीं ना उनको शहीद करोगे, जब वो हथियार उठाएगा ये साबित करेगा कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ तभी आप उनका जान ले लेंगे। चलो ठीक है।